गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th है, सब्जेक्ट कंप्यूटर। यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंतर्गत चैप्टर आपका 12 होगा। आई विल बी डिस्कस अबाउट फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल एंड फंक्शन डेफिनेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल एंड फंक्शन प्रोटोटाइप। यूजिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप फंक्शन का प्रयोग करते हैं तो यह एक प्रकार का कोड होता है। कोडिंग से तात्पर्य होता है कि जिसे आप स्मॉलेस्ट वे में प्रयोग करके इसका प्रोग्राम बनाते हैं, चाहे दो नंबर को जोड़ना हो, घटाना हो, उसका योग करना हो, या किसी फंक्शन को आप प्रोग्राम में कॉल करना हो, तो उसके लिए आप फंक्शन का प्रयोग करते हैं। आइए आगे चलते हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, दिस इनफॉर्म कंपाइलर। पहले फंक्शन प्रोटोटाइप कंपाइलर को सूचना देता है कि यहां से आपके फंक्शन पैरामीटर लिस्ट में डिफाइन है, उसकी वैल्यू को आप कहीं भी कॉल करके प्रिंट करा सकते हैं। तो फंक्शन प्रोटोटाइप कहिए या फंक्शन डिक्लेरेशन कहिए, दिस इनफॉर्म कंपाइलर About the function name, function parameter and return value data type। कहने का तात्पर्य है कि function जब आप declare करते हैं तो has include studio.h और void main के बीच में आप compiler को सूचित करते हैं कि हम यहाँ पर function parameter या actual parameter list define कर रहे हैं और उसका एक return data type होगा, return value होगी, जिसके द्वारा आप किसी भी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। तो सिंटेक्सिस आपका रिटर्न डेटा टाइप फंक्शन नेम टाइप ऑफ आर्गुमेंट। फंक्शन नेम में आपका आर्गुमेंट लिस्ट आप डिफाइन करेंगे। जैसे आर्गुमेंट लिस्ट में आप कैसे डिफाइन करेंगे, आईएनटी एग्जांपल में आईएनटी ए हमने दिया और आईएनटी बी दिया। इंटीजर प्रकार की आपकी वैल्यू को रिटर्न करना है तो उसके लिए आप आर्गुमेंट इस तरह से डिफाइन करेंगे फंक्शन के द्वारा, उसकी वैल्यू आपकी रिटर्न होके आएगी। फंक्शन कॉल, द फंक्शन कॉल इज टू वेज। टू वे का मतलब फंक्शन की कॉलिंग आपकी दो प्रकार की होती है। एक आपकी होती है कॉल बाय वैल्यू आपकी, और दूसरी आपकी कॉल बाय एड्रेस। फंक्शन में किसी भी वैल्यू को जब आप कॉल कराते हैं तो उसकी वैल्यू में आप सामान्य रूप से परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन कॉल बाय एड्रेस में या कॉल बाय रेफरेंसेस में आप मेमोरी एड्रेस के थ्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आप पॉइंटर एस्ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, या पॉइंटर एस्ट्रिक का प्रयोग होता है कॉल बाय एड्रेस में आपका। सिंटेक्स क्या है, फंक्शन नेम और आर्गुमेंट लिस्ट। कोई एक फंक्शन नेम होगा, जैसे फंक्शन नेम में हमने दिया एग्जांपल के तौर पे, फंक्शन नेम में वाइड आपने दिया, वाइड मैक्स वैल्यू आपको निकालनी है। यहां पर हमने इंटीजर आर्गुमेंट दिया, इंटीजर ए कामा इंटीजर वाई, ऐसा आपने वैल्यू दिया तो एक आर्गुमेंट लिस्ट हो गई। ये आपके फंक्शन नेम हो गया जो वाइड प्रकार का है और ये आपकी वैल्यू को रिटर्न करेगा। इसी प्रकार आपकी फंक्शन डिफिनेशन के अंतर्गत फंक्शन डिफिनेशन कंटेंट द ब्लॉक ऑफ कोड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। कहने का तात्पर्य यह है कि फंक्शन कंटेंट एक प्रकार का ब्लॉक कोड होता है जो परफॉर्म करता है किसी भी स्पेसिफिक टास्क को। स्पेसिफिक टास्क का मतलब होता है कि आपकी ये फंक्शन हेडर होगा और उसके बॉडी के अंदर यूजर के द्वारा कुछ कोड ऑफ स्टेटमेंट लिखे जाएंगे। जैसे ये आप में है कि यहां पर क्या लिखेंगे आप, कोड ऑफ स्टेटमेंट CODE। यूजर क्या लिखेगा, कोड ऑफ स्टेटमेंट STATEMENT, कोड ऑफ स्टेटमेंट्स यूजर के द्वारा लिखेंगे। तो इस कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज के बीच में क्या होता है, बॉडी ऑफ फंक्शन, क्या होता है, बॉडी ऑफ फंक्शन का आप प्रयोग करते हैं। और इसके सिंटेक्सिस में रिटर्न टाइप आपका होगा, फंक्शन का नेम होगा और टाइप ऑफ आर्गुमेंट होगा। रिटर्न टाइप में जो वैल्यू आपकी रिटर्न करेगा यूजर या रिटर्न करेगा आपका फंक्शन,
तो वह क्रिया क्या हो जाती है आपकी, रिटर्न आर्गुमेंट टाइप की फंक्शन होगा, उसमें कुछ फंक्शन नेम होंगे, आर्गुमेंट होंगे, और इसकी बॉडी में यूजर के द्वारा कुछ स्टेटमेंट्स लिखे जाएंगे। आगे हम लोग एक प्रोग्राम्स देखेंगे इसका कि यूजर डिफाइंड फंक्शन में कैसे आपके प्रोग्राम का कोड लिखा जाना है। ठीक है, एक प्रोग्राम लिख के आपको समझाते हैं कि इसका जो आपने यहाँ पर फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डिफिनेशन लिखा है वो कैसे आपका वर्क करता है। आइए आगे चलते हैं और एक प्रोग्राम्स बनाते हैं। उस प्रोग्राम के थ्रू आपको क्लियरेंस होगा कि कैसे फंक्शन की बॉडी में हम लोग डिफाइन करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, प्रोटोटाइप क्या होता है, फंक्शन डिफिनेशन क्या होती है, और कहाँ से हम फंक्शन को कॉल करते हैं, उसकी पूरी क्रिया आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं एक प्रोग्राम के माध्यम से। ठीक है, तो पहला देखें आप, हैश इंक्लूड stdioh, क्रिएट ए प्रोग्राम pro program, प्रोग्राम बनाते हैं। हैश इंक्लूड stdio studio.h और हैश इंक्लूड conio.h। यहां पे आप फंक्शन का क्या डिफाइन करेंगे, फंक्शन एक प्रोटोटाइप डिफाइन करेंगे जो हमारा मैक्स प्रकार का होगा। जैसे हमने यहां पर वीओआईडी वाइड मैक्स हमने किया और इसकी वैल्यू में हमने दिया इंटीजर ए और इंटीजर बी, तो ये क्या हो जाएगा आपका फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन प्रोटोटाइप हो जाएगा। और इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, वाइड मेन फंक्शन हमने डिफाइन किया, कर्ली ब्रैकेट लगाया। जैसे ही आप कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं तो वहां पे आप clscr फंक्शन ले लेंगे, clscr फंक्शन ले लिया, और यहां पर हमने एक फंक्शन इसको लगाया। फंक्शन में क्या दिए, मैक्स वैल्यू आपने दिया, यहां पर हमने मैक्स को कॉल किया है, मैक्स इसकी वैल्यू हमने दे दिया, इसकी वैल्यू हमने दिया 20 और 56, ये वैल्यू को हमने कॉल कर दिया। जैसे ही वैल्यू को कॉल करेंगे तो इसके बाद क्या लिख देंगे, getch hold the program, getch फंक्शन लगाया, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट बंद किया। दिस इज द एक्चुअल प्रोग्राम, एक्चुअल पैरामीटर्स ये हो गया। अब हमें फंक्शन को इसे कॉल करना है, कॉल करने के बाद हम वहां पर फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम यहां पे कॉल करेंगे void wide max, हमने वैल्यू लिया और int a लिया और int क्या लिया, int b लिया। जहां पर फंक्शन हम कॉल करते हैं वहां पर इसमें सेमीकॉलम्स आप नहीं लगाएंगे, ऊपर आप क्या करेंगे, जहां पर फंक्शन आप प्रोटोटाइप इसके डिक्लेरेशन करते हैं वहां पे आप फंक्शन का एक सेमीकॉलम्स लगा देंगे, इसको हम कहीं भी कॉल कर सकते हैं। यहां पर हमने इफ लगाया, यहां पे क्या हो जाएगा फंक्शन डिफिनेशन, ये क्या हो जाएगा आपका फंक्शन फंक्शन डिफिनेशन, ये फंक्शन डिफिनेशन हो गया आपका। और यहां पर इस फंक्शन को क्या कर रहे हैं, मैक्स फंक्शन के द्वारा इसकी वैल्यू को, आई ए की वैल्यू आप 20 रख रहे हैं और बी की वैल्यू आप 56 रख रहे हैं। यहां पे क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे, इफ ए ग्रेटर बी, मैक्स आप डिफाइन कर रहे हैं इस तरह से, और क्या करेंगे प्रिंट लगाएंगे, प्रिंट एफ फंक्शन हमने लगाया, प्रिंट एफ फंक्शन यहां पे लिखाएंगे ए ग्रेटर देन बी, यहां पे क्या लगाएंगे, ए इक्वल मॉडुलस डी
ग्रेटर देन b इक्वल मॉडुलस d। यहां पर हमने लगाया a कॉमा b, डिफाइन कर दिया, और एक else स्टेटमेंट लगाया ब्रांचिंग के थ्रू। else स्टेटमेंट में क्या लगाया, प्रिंट f, प्रिंट f फंक्शन जैसे ही लगाएंगे परसेंट d लेस देन, यहां पे लगाया a इक्वल मॉडुलस d l e डबल s लेस देन, मैसेज दिया इसको लेस देन b इक्वल मॉडुलस d लगाया, और यहां पर हमने क्या कर दिया a कॉमा b को प्रोग्राम होल्ड किया। और क्या करेंगे, वैल्यू को आप यहां पे रिटर्न नहीं करेंगे, यहीं पे आप क्या करेंगे क्लोज कर देंगे। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये कॉलिंग फंक्शन है आपका, यहां पे कॉल कर रहे हैं, कॉल फंक्शन वैल्यू को आप यहां पे कॉल कर रहे हैं, यानी कि इंटीजर ए का मान और बी का मान, आपका ए का मान 20 और बी का मान 20। तो ये फंक्शन आप डेफिनेशन का प्रोग्राम आपने लगाया clsr क्लियर द स्क्रीन, मैक्स को यहां पे हमने कॉल किया, गेट सी एच लगाया, दिस इज द एक्चुअल पैरामीटर बॉडी एंड द फॉर्मल पैरामीटर बॉडी, जहां पर मैक्स फंक्शन को हमने यहां पे क्या किया कॉल किया, इसकी डेफिनेशन लिखा a ग्रेटर b, a इक्वल मॉडुलस b ग्रेटर देन b इक्वल मॉडुलस c, a और b की वैल्यू, else का स्टेटमेंट लगाया a मॉडुलस d लेस देन ab। तो आउटपुट में इसका क्या करेगा, जब इसका आउटपुट आएगा तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आपकी ग्रेटर देन b है तो b का की वैल्यू आएगी b इक्वल 56 और a इक्वल 20। तो क्या हो गया, लेस देन वाला आपका ये फॉर्मूला हो गया। अगर इसी वैल्यू को हम यहां पर ऐसा कर लें, इस वैल्यू में अगर यहां पर 100 दे दें, यहां पर क्या करेगा आपका 100 देन 20, अगर ऐसा पास आउट कराएंगे आप तो वहां पर क्या करेंगे, वहां पर उसका फंक्शन नेम भी दिखाई पड़े, तो ए की वैल्यू क्या डिफाइन करेगा, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू आपकी 100 दिखाएगा और बी की वैल्यू आप पास करेंगे तो बी की वैल्यू आपकी 20 रिप्रेजेंट करेगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम लोग कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के बारे में चर्चा करेंगे।